हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी मैट्रिस थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन इट इज गॉस जॉर्डन मेथर ठीक है ये भी हमें सेवन मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये, ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन कई बार हमारे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में ये आ चुका है चाहे तेलंगाना हो चाहे एपी हो ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है बेसिकली सॉल्व थ्री इक्वेशन हमें गिवेन बाई यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड यानी कि विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ठीक है हाउ आई विल शो यू मैं आपको सिंपल वे बताऊंगा जिससे आप एक्स वाई जेड यानी को फाइंड कर सकते यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड ठीक है सबसे पहले हमें क्या करना होगा कंसिडर कंसीडर ए एक्स इक्वल्स टू बी ठीक है गिवेन थ्री इक्वेशन को जो है ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा जहां पे ए क्या होगा ए होगा मैट्रिकस जो बनेगा मैट्रिक्स जो बनेगा एक्स वाई जेड के कोफिशियन से ठीक है एक्स क्या होगा अनोन एक्स वाई जेड और बी क्या होगा कॉन्स्टेंट जो कि आर एच एस के, के साइड मौजूद है नाइन सिक्स टू ठीक है तो, तो चलिए पहले मैं क्या बनूंगा मैट्रिक्स ए को फ्रेम करूंगा जो बनेगा हमारे पास एक्स वाई जेड के कोफिशियन से तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशियन टू है वाई का कोफिशन माइनस वन है जेड का कोईफेशन थ्री है सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशन वन है वाई का भी वन है जेड का भी वन है थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोफिशन वन है वाई का कोफिशन माइनस वन है जेड का कोफिशन वन है ठीक है ये होगा मैट्रिक्स ए फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्स अनोन कैपिटल एक्स हम इस कॉलम में लिखेंगे एक्स वाई जेड ठीक है नेक्स्ट है बी बी क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट है नाइन सिक्स टू ठीक है इस तरीके से हम एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म करें अब हमें बनाना होगा अगुमेंटेड मैट्रिक्स अगुमेंटेड मैट्रिक्स ठीक है हम इसे लिखते हैं ए बाई बी इज इक्वे वेलेंट हो मतलब ये है कि बी को मुझे मैट्रिक्स ए में इंक्लूड करना होगा मैं आपको बताऊंगा टू माइनस वन थ्री वन 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 माइनस वन वन ठीक है एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा फिर इसको लिख दूंगा नाइन सिक्स टू ये हमारे पास अगुमेंटेड मैट्रिक्स ठीक है एगुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेंगे हमें बी को क्या करना होगा ए के अंदर लिखना होगा अब मुझे क्या करना होगा ये जो मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है उसे हम मुझे नॉर्मल फॉर्म में इक्विवेलेंट करना होगा मतलब ये है कि मैट्रिक्स को वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन फॉर्म में लाना होगा और यहाँ पे जो भी वैल्यूज रहेंगे ए बी सी कोई भी वैल्यू आएंगे तो बेसिकली ए क्या होगा एक्स की वैल्यू होगी वाई क्या होगा बी की वैल्यू होगी बी क्या होगा वाई की वैल्यू होगी सी क्या होगा वो जेड की वैल्यू होगी ठीक मतलब है मतलब ये है कि अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल को मुझे जीरो करना होगा और डायग्नल एलिमेंट में मुझे वन रखना होगा ठीक है ये है गॉस जॉर्डन मेथड सो अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको फर्स्ट जीरो करें और किसे जीरो करें ठीक है याद रखे सिर्फ हमें रो ऑपरेशन ही लेना है हम कॉलम ऑपरेशन हम गॉस जॉर्डन में यूज हम नहीं करेंगे ओनली रो ऑपरेशन ठीक है मैं आपको लिख दूंगा पहले आपको किसको जीरो करना है और किससे ठीक है सबसे पहले आप क्या करें यहाँ पर जो फर्स्ट है हमारे पास यहां पर वन लाने की कोशिश कीजिए यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहां पर मेरे पास टू है मगर मेरे पास यहाँ भी वन है यहाँ भी वन है, है, है यूर विश मैं क्या करूँगा आर टू को इंटरचेंज करूंगा आर वन से मैं यहाँ पर वन फ्रेम करने की फर्स्ट करूंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वन लाऊंगा तो इन दोनों को जीरो बनाने में मुझे आसानी होगी अगर आप नहीं भी लाए नो no प्रॉब्लम आप ऑपरेशन यूज़ करके जीरो ला सकते हैं ठीक है फर्स्ट वो हो गया सेकंड ये है कि जीरो किसे फर्स्ट बनाना होगा तो मैं लिखता तो फर्स्ट इसे दो रे जीरो बनाएं ये आर थ्री में ठीक है ना ये वाला क्या है आर वन है ये क्या है आर टू है और ये आर थ्री है तो फर्स्ट हम किसे जीरो बनाना आर थ्री वाले को उसके बाद इसको बनाना है सेकेंड ज़ीरो ठीक है इन दोनों को आप जीरो बनेंगे विद द हेल्प ऑफ आर वन याद रख लेंगे ठीक है पहले इसको जीरो बनेंगे उसके बाद उसके ऊपर वाले को जीरो बनेंगे इन दोनों को जीरो बनेंगे हम आर वन से उसके बाद हम इसको जीरो बनेंगे थर्ड वाले को ठीक है इसको हम जीरो बनेंगे आर टू से ठीक है फिर उसके बाद फोर्थ इसको जीरो बनेंगे हम उसके बाद उसके नीचे वाले को फिफ्थ इसको जीरो बनेंगे हम इन दोनों को जीरो बनेंगे विद द हेल्प ऑफ आर थ्री र थ्री की मदद से हम दोनों को जीरो बनेंगे उसके बाद लास्ट सिक्स वाले इसको हम जीरो बनेंगे इसको हम बनेंगे आर टू से ठीक है मैंने आपको पहले लिख दिया किसको जीरो बनाना है और किस से जीरो बनाना है ठीक है अगर आप ये फॉलो कर लेंगे तो आपको गॉस जर्डन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ठीके? मैं आपको इसको यही कॉन्सेप्ट के अंदर इंप्लीमेंट करके बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले हम किसको जीरो करना होगा इसको जीरो करना होगा ठीक है आर थ्री में तो ऑपरेशन क्या बनेगा देखिए तो पहले मैं और क्या करना मुझे इंटरचेंज करना होगा तो मैं लिख देता हूँ आर वन इंटरचेंजेस टू आर टू सो विच इज़ इक्वेल टू क्या बनेगा देखिए मैं इंटरचेंज कर दे रहा हूँ वन 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 सिक्स नेक्स्ट टू माइनस वन थ्री नाइन फिर वन माइनस वन वन टू ठीक है ये है हमारे पास मैट्रिक्स अब फर्स्ट किसको जीरो करना होगा इसे जीरो करना होगा किस पेन आर थ्री पे है तो ऑपरेशन क्या बनेगा देखिए आर थ्री चेंजेस टू र थ्री याद रखें इधर आर थ्री है तो फर्स्ट आर थ्री आएगा किसे जीरो करना बोला हमें आर वन से जीरो करना है तो आर वन का नंबर देखिए इधर इसके ऊपर वाले का नंबर देखिए आर वन इसके ऊपर नंबर भी सेम नंबर है सेम साइन है तो हम क्या करेंगे माइनस आर वन ठीक है अब यहाँ पे देखिए वन की साइन भी पॉजिटिव है इधर भी वन की साइन भी पॉजिटिव जब सेम साइन हो यानी कि माइनस माइनस या प्लस प्लस हो ऐसे साइंस हो मतलब ये है कि जिसको आप जीरो कर रहे हैं इसकी साइन जिससे ऑब्जर्व कर रहे हैं इससे करना है ना हम आपको इसकी साइन अगर दोनों की साइन सेम है माइनस माइनस है प्लस प्लस है ऐसे केस में हम रो ऑपरेशन के लेंगे माइनस लेंगे ये वाला सेंटर ऑपरेशन अगर अल्टरनेट साइन है जैसे कि प्लस माइनस माइनस प्लस है ऐसे केस में रो ऑपरेशन क्या आएंगे प्लस आएंगे याद रख लेना है ठीक है अब यहां पे देखिए नंबर भी सेम है नो प्रॉब्लम तो मैं क्या करूंगा देखिए फर्स्ट आर थ्री है आर थ्री को साइड में लिख दूंगा वन माइनस वन वन टू फिर इसके बाद आर वन है आर वन को वन 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 सिक्स ठीक है माइनस कर रहे अपन तो नीचे के शो के साइंस क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, हो जाएंगे जो प्लस है माइनस होगा जो माइनस है प्लस होगा केस में सारे के सारे पॉजिटिव है तो पूरे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो माइनस फोर ठीक है सो so ये क्या बनेगा देखिए विच इज इक्वल टू वन 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 सिक्स नेक्स्ट टू माइनस वन थ्री नाइन फिर यह आएगा जीरो माइनस टू जीरो माइनस वन ठीक है स्टेप आपको समझ में तो यहां रख लिया आर थ्री जिसको जीरो करें फर्स्ट वो आएगा आर थ्री माइनस आर वन आर वन माइनस आर थ्री नहीं आएगा ठीक है अब हमें किसको जीरो करना है इस वाले को जीरो करना है यानी किस में है आर टू में है तो ऑपरेशन क्या आएगा आर टू चेंजेस टू आर टू ठीक है इसको जीरो किससे करना है देखिए इसको भी हम जीरो करना है आर वन से चलिए आर वन पहले साइन देखें टू की साइन भी पॉजिटिव है जिससे आप जीरो कर रहे हैं ये वाला इसकी भी साइन क्या है पॉजिटिव है दो भी प्लस प्लस है सेम साइन है तो भी सेम साइन है तो हम क्या ऑपरेशन लेंगे माइनस लेंगे और किसी जीरो करें आर वन से जीरो करें चलिए ऑपरेशन अब आर वन ने लिख दिया अब मतलब यहाँ यहाँ देखिए और यहाँ नंबर डिफरेंट है टू है या वन है इस केस में क्या था देखिए वन वन सेम था तो हम क्या किए कुछ मल्टीप्लाई नहीं करें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा मतलब ये है यहाँ पर क्या है टू है

वन इंटू माइनस वन माइनस वन वन थ्री जी वन नाइन जै नाइन ठीक है नेक्स्ट क्या है हमारे पास आर R1 वन आर वन को टू से इंटू करना है तो कह 2 हूँ टू वन जै टू पूरी रो को करना है टू वन जै टू टू वन जो टू टू सिक्स जो ट्वेल्व ठीक है फिर हम क्या करें माइनस कर रहे हैं तो नीचे पूरे सेंस चेंज हो जाएंगे पूरे प्लस जाके हमारे पास माइनस हो गया तो फिर टू माइनस टू विल बी जीरो माइनस वन माइनस टू विल बी माइनस थ्री थ्री माइनस टू विल बी वन नाइन माइनस ट्वेल्व विल बी माइनस थ्री तो आ, आर टू क्या बन जाएगा देखिए वन 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 सिक्स आर टू होगा ज़ीरो माइनस थ्री वन माइनस थ्री फिर ये ज़ीरो माइनस टू ज़ीरो माइनस फोर ठीक है ये भी ज़ीरो हो गया आप हमारे पास अब किससे ज़ीरो करना है इसे ज़ीरो करना है किसमें ही नहीं आर थ्री में है तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री ठीक है फिर से किस इस किससे जीरो करना है आर टू से यानी कि इसे इसे जीरो करना है, है. तो है? फिर फिर जीरो करना? जीरो करना, इसके ऊपर वाले से तो दोनों के पहले साइंस देख लीजिए दोनों के साइंस फिर से सेम है ठीक है माइनस माइनस है तो ऐसे भी केस में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे अगर सेम साइन हो तो हमें क्या ऑपरेशन लेना है माइनस लेना है ठीक है अब हमें क्या करना है आर से तो आर लिख दूँ आर से करें हम अब नंबर की तरफ देखिए दोनों भी डिफरेंट नंबर है तो यही ये यह लॉजिक इधर पर अप्लाई होगी यानी कि टू है यहाँ पे टू से किसको मल्टीप्लाई करना होगा पूरे आर को आर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा टू से यहाँ क्या नंबर है थ्री है थ्री से किसको मल्टीप्लाई करना हूं? पूरे आर थ्री को आर थ्री को थ्री से इंटू करना है ठीक है यानी कि इसके नंबर से इसको इंटू करना है आर थ्री वाले नंबर से पूरे आर टू को इंटू करना है आर टू वाले नंबर से पूरे आर थ्री को इंटू करना है ठीक है चलिए साइड में कर लेते हैं आर थ्री को थ्री से इंटू करना है थ्री जीरो थ्री इंटू माइनस टू विल भी माइनस सिक्स थ्री जीरो जीरो थ्री इंटू माइनस फोर विल माइनस ट्वेल्व फिर आर टू को टू से इंटू करना है टू जीरो जीरो टू इंटू माइनस थ्री विल भी माइनस सिक्स टू वन जो टू टू थ्रीजा सिक्स ठीक है दिस माइनस है ये तो टू थ्रीजा माइनस सिक्स अब हमें क्या करना होगा माइनस कर रहे हैं तो नीचे की पूरे सेंस क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे तो जीरो है ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो so, ये जीरो माइनस जीरो सिक्स माइनस सिक्स विल बी जीरो जीरो माइनस टू विल बी माइनस टू माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स विल बी माइनस सिक्स ठीक है सो ये विच इज इक्विवेलेंट टू वन 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 सिक्स जीरो माइनस थ्री वन माइनस थ्री क्या है जीरो जीरो माइनस टू माइनस सिक्स ठीक है अब ये देख सकते हैं अब हमारे पास ये ये हमारे पास जीरो हो चुका है अब हमें यहाँ आर थ्री पर गौर कीजिए यहाँ पर भी टू है यहाँ पर भी सिक्स है तो ये टू से डिवाइड होता है तो मैं क्या करूँगा आर थ्री इज डिवाइडेड बाई माइनस टू अगर मैं आर थ्री को माइनस टू से डिवाइड करूंगा मैट्रिक्स क्या बनेगी विच इज इक्विवेलेंट टू वन सिक्स जीरो माइनस थ्री वन माइनस थ्री जीरो जीरो माइनस टू माइनस टू विल बी वन टू थ्री इज सिक्स ठीक है ये है हमारे पास अब हमें क्या करना होगा इसको जीरो करना होगा इन, इन सबको ठीक है चलिए अब हम इन सबको जीरो करेंगे ना चलिए अब हम इन तीनों को जीरो बनाते हैं सबसे पहले किसको जीरो बनाना है इसे जीरो बनाना है किसे जीरो बनाना है हमें आर थ्री से जीरो बनाना है तो ये किस में देखिए आर वन में है तो ऑपरेशन क्या बनेगा आर वन चेंजेस टू आर वन अब इसको हमें आर थ्री से बनाना है तो इसकी इसका नंबर देखिए इधर साइन देखिए पहले दो भी प्लस है दो भी पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे माइनस लिखेंगे और यहां पर भी नंबर भी सेम है तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आर वन माइनस आर थ्री से आप डायरेक्ट ला सकते हैं ठीक है साथ ही साथ मैं इसको भी जीरो कर दूंगा ठीक है आई होप आपको ऑपरेशन लेना आ रहा है ये किस में आर टू में है

वन माइनस जीरो वन होगा वन माइनस वन जीरो हो गया सिक्स माइनस थ्री विल बी थ्री ठीक है बस हम आर टू को जो है वो वैल्यू लिख लेंगे आर टू फर्स्ट आर टू है जीरो माइनस थ्री वन माइनस थ्री फिर आर थ्री है जीरो जीरो वन थ्री ठीक है फिर से माइनस करें माइनस 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 क्या होगा जीरो माइनस थ्री जीरो विल बी माइनस थ्री वन माइनस वन विल बी जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री विल बी माइनस सिक्स ठीक है तो चलिए मैट्रिक्स को लिख देते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट आर वन आर वन क्या है मेरे पास वन वन जीरो थ्री आर टू ये है जीरो माइनस थ्री जीरो माइनस सिक्स आर थ्री क्या है जीरो जीरो वन थ्री ठीक है ये हो गया मेरे पास अब आर टू पे देखें अब इसको जीरो करने से पहले आप यहाँ देखें कि पूरे हम आर टू को जो है इंटायर आर टू को थ्री से डिवाइड कर सकते हैं तो मैं क्या करूँगा आर टू डिवाइडेड बाई माइनस थ्री ठीक है तो क्या होगा ये विच इज़ इक्वल टू वन वन जीरो थ्री ये क्या आएगा जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री विल बी वन जीरो माइनस थ्री माइनस सिक्स विल बी टू ठीक है थ्री वन जे थ्री टू जे सिक्स ये रिमेनिंग जीरो ज़ीरो वन थ्री एज इट इज ठीक है अब हमें किसको जीरो करना होगा इसे जीरो करना होगा ठीक है इसे किसे जीरो करेंगे हम ठीक है आर टू से ज़ीरो करेंगे तो ऑपरेशन क्या बनेगा आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर टू माइनस क्यों क्योंकि दोनों के भी साइन हमारे पास पॉजिटिव है और दो भी सेम नंबर है सो फर्स्ट आर वन है तो मैं आर वन लिख लूंगा साइड में वन वन जीरो माइनस करना है तो माइनस 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 लगेंगे वन माइनस जीरो विल बी वन वन माइनस वन जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो थ्री माइनस टू विल बी वन सो ये बनेगा मैट्रिक्स विच इज इक्विवेलेंट टू वन जीरो जीरो आर वन रिमेनिंग एज इज जीरो टू जीरो जीरो वन थ्री ठीक है तो अब ये देख सकते हैं हमारे पास ये तो नॉर्मल फॉर्म में आ गया है और ये जो है हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है तो बेसिकली किसकी वैल्यू रहेंगे एक्स रहें वाई जेड के वैल्यू रहेंगे एक्स वाई जेड के वैल्यूज वैल्यू वन टू थ्री सो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास वन है वाई की वैल्यू क्या है टू है जेड की वैल्यू क्या है थ्री है ठीक है ये हमारे पास x1 x एक्स वाई जेड की वैल्यू ठीक है सिंपल है बस आप ये मैं इसको फॉलो करें आप यानी कि आपको इसको फॉलो करना होगा किस किससे ज़ीरो करना है आपको किससे क्योंकि जब हम इसको ज़ीरो करते हैं तो ये जो हम ज़ीरो पहले बनाए थे वो वो डिफ़र नहीं होना चाहिए वो ज़ीरो एज़ इट इज़ रहना है इसी मैंने आपको लिख दिया है पहले आप किसको ज़ीरो बनाएं और किससे बनाएं ठीक है तो आपको ज़ीरो बनाने में सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है और मैट बीच में नंबर्स कुछ भी हो आप यही फॉलो करें किसको जीरो करना है किससे ऑपरेशन थोड़े चेंजेस हो सकते हैं कभी डिवीजन का ऐसा आएगा या हो सकता है अगर आपको चेक करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू करेक्ट है या नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू किसी एक इक्वेशन एक में आप पुट करके देखें जैसे कि मैं इस सेकेंड इक्वेशन में जो ईजी है मैं इसको सबचूट करूंगा एक्स सेकेंड इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू सिक्स तो चेक करके देखते हैं हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्ल सिक्स एल एच एस इक्वल्स टू आर एस है क्या देखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी वन वाई की वैल्यू टू जेड की वैल्यू थ्री विच इज़ इक्वल्स टू सिक्स सिक्स इक्वल्स टू सिक्स सो हमारा सोल्यूशन जो है वो है एकदम करेक्ट है थैंक यू